हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड लाइट। मॉडर्न फिजिक्स और फिजिक्स से अलग कैसे है, तो हम लोग 11th तक जितना भी फिजिक्स पढ़ते थे वो न्यूटन का फिजिक्स होता था, उसके जो सारे लॉ होते थे वो न्यूटन के लॉ से निकल करके आते थे। इवन 12th का भी जो फर्स्ट फिजिक्स का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के चैप्टर, वो सारे के सारे न्यूटन से रिलेटेड होते थे। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल देखना चाहे तो एक न्यूटन का फॉर्मूला था G(m1)m2)r2, ग्रेविटी को लेकर के दिया गया था। तो हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो हमारा मेन फॉर्मूला था जिसे हम लोग पढ़ना शुरू किए थे वो हमारा फॉर्मूला था K(q1)q2)r2। तो ये दोनों फॉर्मूला को अगर हम लोग देखेंगे तो ये दोनों काफी एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो इससे एक चीज निकलता है कि 12th तक का अब तक का जितना भी हमारा फिजिक्स था वो न्यूटन से रिलेटेड फिजिक्स था, बट सेकेंड फिजिक्स में जब हम लोग आते हैं तो वहां पे ऑप्टिक्स में भी काफी हद तक न्यूटन फिजिक्स का मामला आता है। लेकिन जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के आसपास में आते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स वहां से शुरू होता है जहां से साइंस के नए एक्सपेरिमेंट शुरू हुए, और वो नए एक्सपेरिमेंट किन चीजों को लेकर करते। तो न्यूटन फिजिक्स के जो जितने भी रूल्स थे या फिर जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हम लोग देखते थे कि हम लोग के रियल वर्ल्ड से रिलेटेड था। जैसे कि हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते थे कि या फिर काइनेमेटिक्स में कि ये गाड़ी चलता था, या फिर किसी पार्टिकल को लेकर के हम लोग बात करते थे जिसको हम लोग यूनिवर्स में फील कर सकते थे। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए वो या तो किसी एटम को लेकर के हुआ और या फिर सीधा पूरे यूनिवर्स को लेकर के हुआ। इस बीच में मॉडर्न फिजिक्स बहुत कम ध्यान देता है, या तो उसका ध्यान एटम के ऊपर होता है या फिर पूरे यूनिवर्स के ऊपर होता है। तो इन फिजिक्स को कहा गया मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड लाइट। अब इसके अगर हम लोग नाम में देखना चाहें कि इस नाम का मीनिंग क्या होगा, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डुअल का मतलब होता है दो, ठीक है। नेचर का मतलब होता है हम लोग समझते हैं उसका स्वभाव कैसा है किसी भी चीज का, और रेडिएशन हम लोग जानते हैं विकिरण को कहा जाता है, और मैटर हम लोग जानते हैं पदार्थ को कहा जाता है। यानी कि विकिरण और पदार्थ के दो विभिन्न स्वभावों के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ये दो विभिन्न स्वभाव क्या है, इनका रेडिएशन कैसे आता है, ये अगर हम लोग देखना चाहें तो एक सिंपल सा चीज निकल करके आता है कि ऐसा माना जाता है कि हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो मेनली दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। पहला चीज है रेडिएशन और दूसरा चीज है मैटर। मेनली जो हमारा यूनिवर्स बना हुआ है वो इन दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, रेडिएशन और मैटर। मैटर में हम लोग देखते हैं जितने भी पार्टिकल्स हम लोग देखते हैं, ये बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया, या फिर कॉपी हो गया, कुछ भी चीज हो गया। रेडिएशन में मेनली आती है एनर्जी, रेडिएशन में मेनली आता है एनर्जी। तो इनको लेकर के जब एक्सपेरिमेंट हुए या फिर इनका अध्ययन किया गया तो एक चीज निकल करके आया कि रेडिएशन जो था उसका जो मूल गुण था वो था उसका फ्रीक्वेंसी, और जो मैटर था उसका जो मूल गुण था वो था उसका मास। हम लोग ये कभी नहीं सुनते हैं कि 5 जूल जो एनर्जी है उसका मास कितना होगा, ये हम लोग कभी नहीं सुनते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि मैटर और रेडिएशन दो अलग अलग चीजें हैं और फ्रीक्वेंसी और मास में कोई संबंध नहीं है। इसी चीज को जब आगे निकाला गया तो कहा गया कि जो रेडिएशन है उसका जो मेन गुण है वो है वेव, ये वेव नेचर को फॉलो करता है, और जो मैटर है वो उसका जो मेन गुण होता है वो होता है पार्टिकल, ये पार्टिकल नेचर को फॉलो करता है। और इससे फ्रीक्वेंसी से हमारा निकलता है वेवलेंथ लैम्ब, और मास के सहायता से हम लोग निकालते हैं मोमेंटम mv². तो शुरुआत में यही कहा जाता था कि ये फ्रीक्वेंसी और मास या फिर मोमेंटम के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था। लेकिन इसके बाद हमारा जो ध्यान गया कि रेडिएशन और मैटर, हम लोग जान लिए कि रेडिएशन का जो मेन गुण होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, मैटर का जो होता है वो मास होता है। तो एक सवाल उठा कि हमारे पास जो एक बहुत बड़ी चीज थी जिसका हमारे आसपास में काफी यूज होता है वो था लाइट। एक सवाल था कि लाइट जो है वो रेडिएशन है या फिर मैटर, ये बताना जरूरी भी था। और जब ये सवाल उठना शुरू हुआ तो इसके बारे में ज्यादा अंदाजा भी नहीं था कि रेडिएशन है या फिर मैटर। तो इसको लेकर के काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स होने शुरू हुए, और इस थ्योरी में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया वो दिया न्यूटन ने। न्यूटन ने एक थ्योरी दिया जिसका नाम था कॉर्पस क्यूलर थ्योरी। उन्होंने
कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी के सहायता से कहा कि जो लाइट होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है और इन पार्टिकल्स को कहा जाता है कॉर्पस्क्यूल्स। लाइट जो होता है वो पार्टिकल होता है और इस पार्टिकल को कहा जाता है कॉर्पस्क्यूल्स। लेकिन न्यूटन के पास इस थ्योरी का कोई प्रूफ नहीं था, उन्होंने बस एक थ्योरी दिया कि लाइट जो होता है वो मैटर होता है, वो पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल को कहा जाता है कॉर्पस्क्यूल्स और इस थ्योरी को कहा गया कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं था, प्रूफ नहीं होने के बावजूद भी चूंकि न्यूटन जैसे बड़े वैज्ञानिक ने इस बात को कहा था तो ये बात मान लिया गया कि जो थ्योरी है कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ये पूरी तरह से सच थ्योरी है। और ये थ्योरी लगभग लगभग 1675 के आसपास में दिया गया। तो अगले 100 से 125 सालों तक इस चीज को माना जाता रहा कि कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी सही है और लाइट जो है वो पार्टिकल है, उस पार्टिकल का नाम है कॉर्पस्क्यूल्स। लेकिन अराउंड 1801 के आसपास में हाइगेंस नाम के साइंटिस्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। हाइगेंस ने कहा कि जो लाइट है वो पार्टिकल नहीं है बल्कि वो वेव है और ये जो है वो वेव फॉर्म के रूप में चलती है, ये वेव फॉर्म के रूप में चलती है और वेव फॉर्म के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है उसके साथ जो एनर्जी होता है उसी एनर्जी को कहा जाता है लाइट। और वेव थ्योरी के सहायता से उन्होंने दो लाइट के मेन फिनोमेना को प्रूफ किया, एक फिनोमेना था रिफ्लेक्शन और एक फिनोमेना था रिफ्रैक्शन। उन्होंने रिफ्लेक्शन के दोनों लॉ और रिफ्रैक्शन के दोनों लॉ को वेव थ्योरी के सहायता से प्रूफ किया। हम लोग ऑप्टिक्स में लोग ये पढ़ चुके हैं कि हाइगेंस के प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कैसे प्रूफ होता है, तो उन दोनों चीजों को उन्होंने प्रूफ किया। लेकिन चूंकि न्यूटन जैसे बड़े साइंटिस्ट ने इसको पार्टिकल कह दिया था तो हाइगेंस का जो कॉन्सेप्ट था उनका जो वेव थ्योरी था वो वेव थ्योरी कोई मानने को तैयार नहीं था क्योंकि हाइगेंस का जो ऑरा था वो न्यूटन से काफी छोटा था। जब न्यूटन इस चीज को कहकर के गए थे कि ये कॉर्पस्क्यूल्स के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, दुनिया इस चीज को मानने को तैयार नहीं थी कि लाइट जो है वो वेव है, जबकि उनके वेव थ्योरी के सहायता से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो फिनोमेना प्रूफ हो गए थे। लेकिन आगे कुछ दिनों के बाद जब उनके बात को नहीं माना जा रहा था इसके बावजूद भी मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया और वो कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उन्होंने कहा कि जो लाइट होता है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और हम लोग जानते हैं कि रेडिएशन क्या होता है, वेव होता है। तो जब मैक्सवेल ने ये कह दिया कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो एक प्रकार का वेव है, तब काफी हद तक न्यूटन के थ्योरी को गलत माने जाने लगा, तब काफी हद तक कॉर्पस्क्यूल्स थ्योरी को गलत माने जाने लगा। और हाइगेंस का जो कॉन्सेप्ट था, जो हाइगेंस ने वेव थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया, हाइगेंस का जो वेव थ्योरी था उसे सच माना जाने लगा क्योंकि इसके सहायता से ऑलरेडी दो चीज प्रूफ हो चुका था। और जब इस पर एक्सपेरिमेंट हुए तो हाइगेंस के कॉन्सेप्ट के सहायता से लाइट के बहुत सारे फिनोमेना प्रूफ हुए। जैसे हाइगेंस थ्योरी के सहायता से प्रूफ होने वाला जो मेन चीज था वो था इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यानी कि इतना चीज जो था वो वेव थ्योरी के सहायता से प्रूफ हो गया था। हाइगेंस के वेव थ्योरी के सहायता से इतना सारा चीज प्रूफ हो गया था। और तो जब मैक्सवेल ने भी अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का थ्योरी दिया और उसके बाद हाइगेंस का थ्योरी था वेव थ्योरी, तो इसके बाद न्यूटन के कॉन्सेप्ट को गलत माना गया और यह कहा जाने लगा कि लाइट जो है वो एक प्रकार का वेव है। तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पार्टिकल से चल के वेव पे आ चुका है। तो अब हम लोग को यह पता चल चुका था कि लाइट जो है वो एक प्रकार का वेव है, ये एक प्रकार की एनर्जी है, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती होगी, इसका कुछ वेवलेंथ होता होगा और ये पार्टिकल नहीं है। तो न्यूटन का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरीके से गलत हो चुका था। लेकिन इस चीज के माने जाने के कुछ दिनों के बाद ही साइंस में नए प्रकार के एक्सपेरिमेंट शुरू होने लगे और ये जो एक्सपेरिमेंट था उसके शुरू होने का जो मेन रीजन था वो रीजन था ई गोल्ड स्टीन का एक्सपेरिमेंट। ई गोल्ड स्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन का खोज किया। गोल्ड स्टीन ने जब प्रोटॉन का खोज किया तो साइंस का जो अब तक का एक्सपेरिमेंट था जो कि काफी हद तक यूनिवर्स के अंदर के चीजों के बारे में होता था, जैसे कि रियल वर्ल्ड की चीजों के बारे में, जैसे कि किसी गाड़ी को लेकर के एक्सपेरिमेंट हो गया या फिर किसी पार्टिकल को लेकर के हो गया, वो अचानक से एटम के अंदर आने लगा।
अब सब कोई जो था वो एटम के अंदर के पार्टिकल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगा, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान हर्ट्ज नाम के वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। और हर्ट्ज ने क्या एक्सपेरिमेंट किया वो अगर हम लोग देखें तो हर्ट्ज ने एक वैक्यूम चैम्बर लिया, उसमें एक कैथोड लगाया, एक एनोड लगाया, और ये जो कैथोड था इस पे लाइट गिराना शुरू किया। ये जो लाइट था ये यूवी रेज था, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज था। तो उन्होंने देखा कि जब कैथोड पर अल्ट्रावायलेट रेज गिराया जाता है तो इससे जो है वो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होता है और ये कैथोड एनोड की तरफ जाता है। तो उन्होंने कहा कि जब एक कैथोड के ऊपर एक वैक्यूम चैम्बर के भीतर हाई फ्रीक्वेंसी का अल्ट्रावायलेट रेज गिराया जाता है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होता है और ये एनोड की तरफ जाता है, यानी कि यहाँ पे कंडक्शन हो रहा था, यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कंडक्शन हो रहा था। लेकिन हर्ट्ज के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि ये एक्सपेरिमेंट जो है ये किस रूल के अंतर्गत हो रहा है या फिर ये कैसे हो रहा है। बस उन्होंने इतना कहा कि लाइट का यह एक फिनोमेना है और इस फिनोमेना को उन्होंने नाम दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हर्ट्ज नामक साइंटिस्ट ने एक नया फिनोमेना खोजा जिसे उन्होंने नाम दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट में उन्होंने देखा कि जब कैथोड के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज को गिराया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड की तरफ जाना शुरू होते हैं। लेकिन हर्ट्ज के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि ये कैसे हो रहा है, इससे रिलेटेड कोई लॉ नहीं था, तो इस चीज को उस वक्त ज्यादा मान्यता नहीं दिया गया। सेम एक्सपेरिमेंट जो था वो कुछ और साइंटिस्ट ने किया। अब देखिए और साइंटिस्ट का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट हुआ वो एक्सपेरिमेंट किया था हॉलवॉक नाम के वैज्ञानिक ने। हॉलवॉक का जो एक्सपेरिमेंट था तो उन्होंने क्या किया कि एक मेटल का सरफेस लिया, एक मेटल सरफेस लिया और ये जो मेटल सरफेस था ये निगेटिव चार्ज था, यानी कि मान लीजिए कि इस पर कुछ निगेटिव चार्ज था, मान लीजिए कि 2- इस पर चार्ज था, एक ऐसा मेटल सरफेस था जिसपे निगेटिव चार्ज है, ठीक है, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का संख्या है वो दो ज्यादा है, ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया हुआ था। और इस मेटल सरफेस पर जब उन्होंने अल्ट्रावायलेट रेज को गिराया, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज को इस पर गिराया तो उन्होंने देखा कि ये जो -2 वाला चार्ज था, यानी कि ये जो निगेटिव सरफेस वाला मेटल प्लेट था ये धीरे धीरे न्यूट्रल हो गया, यानी कि इस पर जो चार्ज था वो जीरो हो गया। और जब इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया गया तो उन्होंने देखा कि ये जो जीरो था ये अब धीरे धीरे प्लस चार्ज हो गया था, मान लीजिए कि ये +2 तक चला गया, यानी कि एक जो निगेटिव प्लेट था मेटल का जिसपे लाइट गिराया गया तो वो धीरे धीरे न्यूट्रल हुआ और वो न्यूट्रल से पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब ये कैसे हुआ होगा और हम लोग देखें कि मान लीजिए कि इससे पहले 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, ठीक है, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकला होगा तो ये 0 पे गया होगा, ठीक, और इससे जब 2 इलेक्ट्रॉन और निकला होगा तो फिर ये +2 पे गया होगा। यानी कि हॉलवॉक के एक्सपेरिमेंट में ये बात प्रूफ हुआ कि एक मेटल सरफेस पर जब लाइट रेडिएशन को गिराया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर जाते हैं। इसी प्रकार से एक और एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट था लिनार्ड का। लिनार्ड नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया और लिनार्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो काफी हद तक हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट के सिमिलर था, बस उन्होंने उसमें एक नया चीज किया था। और वो नया चीज किया था तो उन्होंने भी हर्ट्ज के जैसे ही एक वैक्यूम चैम्बर लिया, उसमें एक कैथोड लगाया, एक एनोड लगाया और इसको जो था एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे एक एमिटर लगा दिया और कैथोड के ऊपर लाइट गिराना उन्होंने शुरू किया, ठीक। तो लिनार्ड के एक्सपेरिमेंट में भी यह चीज निकल करके सामने आई कि जब कैथोड के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को गिराया जाता है तो इससे भी इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होता है और ये इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड की तरफ जाता है और एनोड से कैथोड की तरफ एक चार्ज सप्लाई होता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के उल्टा दिशा में करंट का फ्लो होता है, यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन भी आता है, एनोड से कैथोड की तरफ करंट का सप्लाई हुआ, तो उनके एक्सपेरिमेंट में भी प्रूफ हुआ। लेकिन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जब इस कैथोड के ऊपर गिरने वाले लाइट को एनोड के ऊपर गिराया तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन तो अभी इससे निकल रहा था लेकिन यहाँ पे जो था कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा था, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था। वो क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि जो कैथोड का वोल्टेज था हम लोग जानते हैं कि कैथोड का वोल्टेज एनोड के वोल्टेज से कम होता है, तो एनोड का वोल्टेज ज्यादा था तो हाई और
यहाँ पर कैथोड का वोल्टेज था वो कम था, तो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ तो करंट जाएगा नहीं, इसलिए कैथोड से एनोड की तरफ कोई करंट का फ्लो नहीं हुआ लेकिन इलेक्ट्रॉन निकला। तो अब तक कई सारे एक्सपेरिमेंट में यह चीज प्रूफ हो गया था कि अगर एक मेटल सरफेस के ऊपर लाइट रेडिएशन को गिराया जाता है तो उससे जो है वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। अब देखिए इसी चीज सब के बीच में मैक्स प्लांक नाम के साइंटिस्ट ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, वो एक्सपेरिमेंट था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सपेरिमेंट। अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो एक्सपेरिमेंट था ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्लास में क्लास नाइन्थ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया और वो कॉन्सेप्ट था क्वांटम थ्योरी। प्लांक ने एक नया थ्योरी दिया, उस थ्योरी का नाम था क्वांटम थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या था, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या था, इसको अगर हम लोग समझना चाहें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वांटम थ्योरी में उन्होंने कहा कि जो एनर्जी होता है वो कंटिन्यूअसली नहीं चलता है, ये एनर्जी जो होता है वो क्वांटाइज होता है। अगर मान लीजिए कि ये एक एनर्जी था, उन्होंने कहा कि एनर्जी जो होता है वो क्वांटाइज होता है। अब ये क्वांटाइज क्या टर्म है इसको हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। अभी इस पूरे अगर हम इस टर्म को समझे तो प्लांक का जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट से निकला क्वांटम थ्योरी, और क्वांटम थ्योरी में प्लांक ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एनर्जी डज नॉट मूव कंटिन्यूअसली, यानी कि ये कंटिन्यूअसली मूव नहीं करता है, एनर्जी जो होता है वो क्वांटाइज होता है, एनर्जी इज क्वांटाइज, ठीक। अब ये क्वांटाइज करने का क्या मतलब था हमको थोड़ा देर में समझ में आएगा। और उन्होंने कहा कि जब ये कंटिन्यूअसली मूव नहीं करता तो कैसे मूव करता है, उन्होंने कहा था कि एनर्जी मूव्स इन अ फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, एनर्जी जो है वो स्मॉल पैकेट्स के रूप में चलता है, यानी कि उनके कहने का जो थ्योरी था वो कुछ ऐसा था कि मान लीजिए कि ये जो है ये एक एनर्जी का सोर्स है, ये एक एनर्जी का सोर्स है, तो यहां से जो एनर्जी है वो ऐसे कंटिन्यूअसली नहीं चलता है कि एक बार चलना शुरू हो गया चलता रहेगा, उनके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो था वो डिसकंटिन्यूअसली चलता है, ऐसे चलता है। ऐसे कैसे चलता है, उन्होंने कहा कि क्वांटाइज करने का उनका मतलब था कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं करेगा, वो एन इंटू ई के रूप में फ्लो करेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन चलेगा फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन चलेगा फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन चलेगा। इसी प्रकार से एनर्जी के लिए उन्होंने कहा कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज रूप में चलेगा, यानी कि एनर्जी का पहले एक पैकेट चलेगा फिर दूसरा पैकेट चलेगा फिर तीसरा पैकेट चलेगा फिर चौथा पैकेट चलेगा, ऐसे ऐसे करके एनर्जी चलता है। तो जो चीज छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है इस चीज को उन्होंने कहा कि क्वांटाइज है, यानी कि अगर मान लीजिए कि एक बॉक्स है इसमें 12 गेंद है, ठीक है, इसमें 12 बॉल है, इससे अगर हम एक एक गेंद निकाल करके बाहर फेंकते हैं, एक एक गेंद इससे निकाल करके हम लोग बाहर फेंकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बॉल है वो क्वांटाइज है, या फिर अगर दो दो गेंद निकाल कर फेंकते हैं तो हम लोग कहेंगे कि वो बॉल जो है वो क्वांटाइज है, वो एक बार में एक पैकेट के रूप में निकल रहा है। उसी प्रकार से इस एनर्जी सोर्स से जो एनर्जी था वो क्वांटाइज था, वो एक बार एक पैकेट निकल रहा था, एक बार दूसरा पैकेट निकल रहा था, एक बार तीसरा पैकेट निकल रहा था, यानी कि ये कंटिन्यूअसली तो मूव नहीं कर रहा था, ये जो था ये छोटे छोटे पैकेट के रूप में चल रहा था, और इस छोटे छोटे पैकेट को कहा गया क्वांटम, इस एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स को कहा गया क्वांटम, और इसी क्वांटम नाम के कारण इस थ्योरी का नाम पड़ा था क्वांटम थ्योरी। और इस क्वांटम ये क्वांटम क्या था, तो एनर्जी जिस छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है उसको कहा जाता है क्वांटम, और जो भी चीज क्वांटम के रूप में चलता है उसको कहा जाता है कि वो क्वांटाइज है, यानी कि किसी भी चीज का अगर क्वांटम होगा तो हम लोग कहेंगे कि वो चीज क्या है, वो चीज क्वांटाइज है। तो एनर्जी हम लोग इनके थ्योरी से जान गए कि क्वांटाइज होता है। अब उन्होंने इस एनर्जी
के लिए एक और चीज दिया था वो देखिए।